जय श्री राम मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे बात करने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। 2 दिन पहले की बात है, किसी परिचित के द्वारा एक खबर प्राप्त हुई कि एक ऐसे जोड़े की जिसकी कि 3 महीने पहले शादी हुई थी, पत्नी किसी के साथ भाग गई उसे छोड़कर। वो व्यक्ति 2 दिन से मारा मारा फिर रहा है, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, पुलिस की मदद ले रहा है, और ये इनके इन प्रकारण हर किसी से हेल्प ले रहा है वो, लेकिन उसका रास्ता नहीं निकल रहा है। तो अब समझ में ये बात नहीं आई कि 3 महीने विवाह को हो गए तो ऐसा क्या वजह हुई कि युवती को भागने की आवश्यकता पड़ी। यह एक छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरी भारतीय सभ्यता पर एक क्वेश्चन मार्क है कि कहाँ संस्कारों में कमी हो रही है। अविवाहित लड़कियां तो युवकों के मोहपाश में फंस जाती हैं, अक्सर सुनने में आता है। इसके लिए वे न माता पिता को देखती हैं, न अपने संस्कारों को देखती हैं, उन्हें तो बस अपनी ही जिद पूरी करनी होती है, चाहे इसके लिए परिवार पर कितनी भी उंगलियां उठ जाएं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन किसी विवाहित स्त्री का इस तरह से चले जाना, इसके अलावा आए दिन अखबारों में भी बहुत सी खबरें पढ़ने को मिलती हैं जहां महिला ने प्रेमी की सहायता से पति के साथ बहुत ही बुरा किया और वो भाग गई। ऐसी स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब ऐसी महिला जो अपने घर को छोड़कर भागती है और उसके कई बच्चे भी होते हैं, कई कई केसेस में 2 या 3 बच्चे भी सुनने में आते हैं, ऐसी महिलाएं भी भाग जाती हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि उन्हें पति को छोड़कर जाना होता है? क्यों नहीं मिल बैठकर इस तरह की समस्या को हल किया जाता? क्यों नहीं काउंसलिंग की जाती? मन मुटाव को मिटाने का कोई और तरीका क्यों नहीं निकाला जाता? क्यों हिंसा का रूप ले लेते हैं ऐसे केसेस? ये बहुत ही चिंता का विषय है, और इसके लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो है गिरते हुए संस्कार। आज समाज में हर कोई चाहता है शिवाजी पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, पर क्या माओं ने सोचा है कि उन्हें भी जीजाबाई बनने की आवश्यकता है? ये उन्हें ही तय करना है कि उन्हें किरण बेदी पैदा करनी है या करीना कपूर खान पैदा करनी है। ये उन्हें ही तय करना होगा कि किस तरह की बेटी उन्हें चाहिए। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिस पर चिंतन की आवश्यकता है, लेकिन परिवार सोच नहीं रहे हैं, समाज सोच नहीं रहा है। सोच रहा है तो वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई कमी है जो ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। मैं माताओं से निवेदन करूंगी कि वे अपनी बेटियों को संस्कारित करें, उन्हें संस्कार सिखाएं, उन्हें विवाह के क्या नियम कायदे होते हैं उससे परिचित कराएं, जिससे कि इस तरह की घटनाओं से एक पूरा परिवार बिखरने से बच सके। आज दिनों दिन लड़कियों पर कुछ इस तरह का फिल्मी सितारों का पैशन होता जा रहा है, उन्हें लगता है कि वो फिल्मी सितारा उनके जीवन में आ जाए, चाहे वो कोई भी हो। बहुत पहले एक गुड्डी मूवी बनी थी जिसमें जया बच्चन जी ने एक किरदार ऐसी ही युवती का निभाया था जो कि एक फिल्मी स्टार से प्रेम करती है, और उस कहानी के अंत में जब वो अपने रियल जीवन साथी को पाती है तो उसे पता चलता है कि असली सुख तो यही है, असली जीवन साथी इसी तरह का होता है। तो मैं युवतियों से भी कहूंगी कि आप फिल्मी कलाकारों के मोह जाल से निकलिए, वो सिर्फ एक छद्म जाल है और कुछ नहीं। वो आपके जीवन का वास्तविक सुख नहीं है। आप जीवन की वास्तविकता से हटकर एक स्वप्निल दुनिया को जीते हो जिससे आपको कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब जीवन में बहुत से सुख आपके हाथ से निकल चुके होंगे। आपका जो जीवन का असली समय है, जिसको कि आपको अपनी शिक्षा में लगाना चाहिए, आत्मनिर्भरता में लगाना चाहिए, वो समय आप चिकनी चुपड़ी चेहरे वाले फिल्मी कलाकारों के भरोसे निकाल देते हो, और जब वैसे ही कोई शक्लों वाला कोई व्यक्ति आपको दिखता है, वो व्यक्ति चारित्रिक रूप से कितना अच्छा है या बुरा इसका भी विचार नहीं करते आप, और उसके लिए आप अपने घर परिवार के बंधन तक को तोड़ने को तैयार हो जाती हो, अपने परिवार को छोड़ने को तैयार हो जाती हो, तो आपको ये सोचना होगा कि आप किस दलदल में फंसने जा रही हो। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप किसी भी धर्म से विवाह करते हो, लेकिन शिक्षा सबसे पहली जरूरत है आपके जीवन की। इसको क्यों नहीं समझते? युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, यदि आपने उसको सही रूप में जी लिया, सही रास्ते को पकड़ लिया, तो जिंदगी भर आप ऐश करोगे। और जिंदगी में अगर युवावस्था को आपने गंवा दिया और गलत ट्रैक पर आप चले गए, तो आप ये मान के चलो कि जीवन में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और एक समय ऐसा आएगा सिर्फ पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस चीज को सोचिए आप। मैं माताओं से भी बोलूंगी, आप अपनी बेटियों को संस्कार दीजिए, बेटियों को ये सिखाइए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, पग पग पर उनके मार्गदर्शक आप बनिए,
और बेटियां जब धमकी देती हैं कि मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, तो एक बार आप ढंग से बैठकर उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको बड़े प्यार से समझाइए, जीवन की ऊंच नीच से उन्हें परिचित कराइए, जीवन जिससे कि भविष्य में आगे चल के वो किसी उपहास का पात्र ना बने। अब जिनकी बेटी अभी भागी है और पति तो परेशान हो ही रहा है, माँ बाप इतने शर्मिंदा हो रहे हैं, उनको किसी को मुंह नहीं दिखाया जा रहा जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर कुछ तो संस्कार उनको उन्होंने कुछ कहीं तो कुछ कमी रही है, ये बात इस बात का तो प्रश्न चिन्ह उन पर लगता है। लेकिन फिर भी कई बार माँ बाप की कोई गलती नहीं होती, माँ बाप सीधे होते हैं, लेकिन बेटा बेटी इस तरह के गलत कदम उठा लेते हैं, स्पेशली जो बेटियाँ इस तरह के कदम उठा लेती हैं, अभी उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है जिसके निवारण के उपाय सभी को खोजने होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपनी संतान को संस्कार देने होंगे, और ये शुरुआत विद्यालय के शिक्षकों से प्रारंभ होती है। विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए, परिवार में बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे कि एक नई पीढ़ी एक सभ्य रूप में तैयार हो सके और संस्कारों को समझ सके। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने सवाल पूछिए आप, और मैं आज का ये समाप्त करती हूँ कार्यक्रम। जय श्री राम।